नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको फिनरगन सिरप के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसकी डोज क्या है, इसके क्या क्या यूजेस हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फिनरगन सिरप है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाया गया है। जो फिनरगन सिरप है इसमें परमेथाजाइन पाया गया है। इसकी मात्रा की बात करें तो जे आपको ईच 5 ml में 5 mg मिल जाएगा और जे एबर्ट कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 41 rupees और आपको इसकी 100 ml की पैकिंग मिल जाएगी। चलिए अब हम इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं कि उनका वर्क क्या है। जो फिनरगन सिरप है ये सिंगल कॉम्पोजिशन में मिलने वाला सिरप है। जो फिनरगन सिरप है जे एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। जे प्रोड्यूस करती है केमिकल्स को जिसे कि हिस्टामाइंस कहते हैं। जब आपकी बॉडी एक्सपोज हो जाती है किसी एलर्जन सब्सटेंस पर, जैसे कि पुलिन पर, एनिमल डेंडर में या फिर डस्ट है, तब आपको एलर्जी हो गई है, तब ये सिरप वर्क क्या करता है, ब्लॉकिंग करके हिस्टामाइन के एक्शन को, जिससे कि जे सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। इसके साथ ही ये वर्क करता है डायरेक्टली टू सेवरल एरियाज ऑफ ब्रेन, मींस आपके जो ब्रेन के कई एरियाज होते हैं वहां पर जे डायरेक्टली वर्क करता है, जिससे कि प्रिवेंट हो जाते हैं नौजिया एंड वॉमिटिंग। इससे क्या होता है, पेशेंट रिलैक्स फील करता है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो फिनरगन सिरप है इसका यूज किन कंडीशन में किया जा सकता है। जो फिनरगन सिरप है इसका यूज ट्रीटमेंट ऑफ नौजिया एंड वॉमिटिंग, मींस पेशेंट को उल्टी लगी है या मतली लगी है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये मेडिसिन ब्लॉक कर देती है केमिकल्स के एक्शन को बॉडी में, जिससे कि पेशेंट सिक फील करता है, वो ठीक हो जाता है और इसके साथ ही ये प्रिवेंट करता है नौजिया और वॉमिटिंग के कारण को, जो कि मेडिसिन और किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से होता है। इसके बिना इस सिरप को ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी कंडीशंस, मींस पेशेंट को किसी भी वजह से एलर्जी हो गई है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। फिनरगन सिरप इसमें क्या करता है, मैनी डिफरेंट इंफ्लामेशन एंड एलर्जी कंडीशंस को, मींस पेशेंट को स्वेलिंग हो गई है, सोजिश हो गई है या फिर किसी तरह की एलर्जी कंडीशन हो गई है तो इसमें ये ट्रीट करता है। ये वर्क क्या करता है, लोअर करके इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को, जिससे कि ये जो कंडीशन है ये प्रिवेंट हो जाती है और रिलीज होने वाले सब्सटेंस बॉडी में जिसके कारण इन्फ्लामेशन होती है, इसके साथ ही एलर्जी से होने वाले सिम्टम जैसे कि स्वेलिंग, पेन, ईचिंग, रेडनेस और अदर टाइप्स रिएक्शन भी ठीक हो जाते हैं। इसके बिना फिनरगन सिरप का यूज ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस, मींस इसमें क्या होता है, जब पेशेंट को ट्रेवल के ड्यूरिंग होने वाली मोशन सिकनेस हो जाती है और उसके कारण सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, जैसे कि स्पिनिंग सेंसेशन होना, मींस कान में हमारे टाइनेटाइटस हो जाना, वर्टिगो आना, चक्कर आना या फिर नौजिया होना, वॉमिटिंग होना या फीलिंग सिक होना, ये इन सब सिम्टम्स को ठीक करता है। इसके बिना इस सिरप को सर्जरी के बाद होने वाली मोशन सिकनेस पेन को दूर करने के लिए, पेशेंट की एंजाइटी दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो फिनरगन सिरप है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन है जो पेशेंट की एज, सेक्स और उसकी हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करती है। आप इसे खाना खाने के साथ या खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा इस सिरप को डेली फिक्स टाइम पर ही लेना चाहिए। मेजरिंग कप से मेजर करने के बाद ही आप इसकी प्रॉपर डोज लें। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो फिनरगन सिरप है इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन सम टाइम पेशेंट को कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो जाते हैं। वो बॉडी जब इसको एडजस्ट कर लेती है तो अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं।
सम टाइम पेशेंट को सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि अनयूजुअल ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होना वोमेंस और मेंस में। अगर आपको ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा रूप में दिखाई दे तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें। अब लास्ट में इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। प्रेगनेंसी में हमेशा इस सिरप को डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही यूज़ करना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क मदर में इस सिरप को सेफ माना गया है। डॉक्टर के प्रशिक्षण पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो इसका यूज़ ना करें, उसमें जी अनसेफ माना गया है, क्योंकि पेशेंट को ड्राउजीनेस या डिजीनेस सिम्टम्स आ सकते हैं। किडनी की डिसीज़ में इस सिरप को सेफ माना गया है। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लीवर की सीवियर डिसीज़ में इस सिरप को अनसेफ माना गया है। छोटे बच्चों से हमेशा इस सिरप को दूर रखना है। ओवरऑल जाने तो जो फिनर्गन सिरप है, इसका यूज़ पेशेंट में नौजिया, वॉमिटिंग या फिर मोशन सिकनेस हो गई है या फिर किसी भी तरह के एलर्जिक सिम्टम्स पैदा हो गए हैं तो उनमें किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।